फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। पॉल द कार मैकेनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑडी A6 4G मॉडल के लिए। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी है ऑडी A6 2013 मॉडल 4G मॉडल आती है। ये हमारी वर्कशॉप पे रिपेयर होने के लिए आई है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो रियर बैलून है, सस्पेंशन का बैलून है, वो प्रॉब्लम दे रहा है लेफ्ट साइड का। तो हमने, जबकि अपने स्कैनर से इसको स्कैन भी किया है, बट इसमें स्कैनर में कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं कर रही है। सो आज हम इसे मैनुअली चेक करेंगे और हम अपने मैकेनिक भाइयों को बताएंगे कि मैनुअली इसे किस तरह से चेक किया जाता है। आइए, तो अब हम इसे चेक करते हैं। आइए प्लीज फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टायर देखिए, इसका एयर जो बैलून है वो कितना बैठा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी टायर में गैप नहीं है। ये देखिए, अब आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं कितना गैप है इसमें। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका एयर बैलून जो कि हमने पहले से लूज कर लिया है। इसमें इसके खोलने के लिए इसका एक ही आपको रियर सस्पेंशन आर्म खोलना पड़ेगा। 18mm का बोल्ट है इसके लिए। ये इस तरह से कुछ लगेगा, इसमें इस तरह से कसा जाएगा। इसको आर्म को खोल के रिमूव करके इसको नीचे करके आराम से, और ये हमने पहले से लूज किया हुआ है। इसका एयर पाइप है जो कि इसको एयर देता है, एयर बैलून को, इसको लूज करके ये हाथ से ही दब जाएगा। इसको आराम से प्रेस करके आप इसको इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से पंचर है और कहाँ से इसका एयर लीक करता है। मैनुअली तरीके से बताऊंगा आपको, बिल्कुल ही आसान तरीके से, ताकि आप अपने वर्कशॉप पे इसे चेक कर सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक मैनुअली हवा का पाइप ले लिया है, एयर कंप्रेसर से अटैच है। अब इसमें हम इसकी नोजल में हवा का पाइप लगाएंगे। डायरेक्ट लगाइए, अब इसको धीरे धीरे इसमें हवा भरेंगे एयर बैलून में, जैसे कि एयर कंप्रेसर भरता है। इस तरह कर ली थोड़ा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एयर बबल आ रहे हैं, ये देखिए, ये लीक है। ये देखिए, मेरे कैमरे की तरफ इसके बबल्स उठ के आ रहे हैं। ये देखिए, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये है नया एयर बैलून। अब आपको इसको फिट करने का प्रोसीजर बताते हैं। ये देखिए, ये हमने पहले से रेडी रखा है। अब इसको हम इसको फिट करेंगे, फिट करने का प्रोसीजर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अब आपको बताएंगे इसका तरीका कि किस तरह से इसको फिट किया जाता है कार में। आइए अब हम इसे फिट करते हैं।